ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदर श्रीमती सोनिया गांधी जी के आदेश पर आज हिंदुस्तान भर में एक साथ हमारे जो हिंदुस्तान के फौजी हैं, जो हिंदुस्तान के बॉर्डर पर शहीद हुए हैं, उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए आज हिंदुस्तान भर में एक साथ आवाज बुलंद की गई है। मैं आज के इस मौके पर नरेंद्र मोदी जी, जो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, और डिफेंस मिनिस्टर जनाब राजनाथ सिंह, उनसे मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि आखिर हिंदुस्तान के फौजियों को बगैर हथियार के आपने हिंदुस्तान के चाइना के बॉर्डर पर आपने कैसा भेजा? इसका जिम्मेदार कौन है? इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? बगैर हथियार के हिंदुस्तान के बॉर्डर पर जो हमारे फौजी हमेशा हथियारों से लैस होते थे, इस पर दबा बगैर हथियार के उन्होंने अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, मुल्क की अखंडता के लिए, मुल्क को मुस्तहकम करने के लिए अपनी आखिरी सांस तक इन्होंने जद्दोजहद की, जिस पर हम तमाम हिंदुस्तानी शहरी उन फौजियों को सलाम करते हैं, सलूट करते हैं और उन्हें भरपूर खिराज अकीदत पेश करते हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी से सवाल करना चाहता हूं कि आप कब तक झूठ बोलेंगे हिंदुस्तान की आवाम को? आप हकीकत को सामने लाइए, हिंदुस्तान की सारी आवाम आपके साथ होगी, मगर तुम हकीकत को छुपाना चाहते हैं। लेकिन आज सेटेलाइट के जरिए, मुख्तलिफ जराए के जरिए हमें इस बात की इत्तला मिलती है कि हिंदुस्तान में चाइना की फौज दाखिल हुई और मुख्तलिफ मुकामात पर इन्होंने कब्जा किया। आखिर इस कदर मुल्क को कमजोर करने के लिए जो आपकी साजिश है वो ठीक नहीं है। हम आपसे फिर एक मरतबा मुतालबा करते हैं कि आप हकीकत को आवाम के सामने लाइए और हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए, हिंदुस्तान की अखंडता के लिए, हिंदुस्तान को मुस्तहकम करने के लिए जो आज हमारे हिंदुस्तान के फौजी अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं, उन्हें भरपूर हम खिराज अकीदत पेश करते हैं। जय हिंद।